स्मार्ट सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। सात निश्चय योजना में हुए घोटाले पर ईडी की कार्रवाई के बाद चिराग पासवान के हौसले बुलंद हो गए हैं। आपको बता दें कि आज चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर नए सिरे से हमला बोला है। साथ ही चिराग पासवान के ने एक बयान दिया है, उस बयान पर मंत्री नीरज कुमार ने पलटवार किया है। जी हां, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार कार्रवाई से बौखला गए हैं, झुलझुला गए हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, अब व्यक्तिगत टिप्पणियां भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके खिलाफ वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। इस पर मंत्री नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि चिराग पासवान के राजनीति का डीएनए है तेजस्वी यादव। चिराग पासवान 420 के आरोपी तेजस्वी यादव के साथ मिले हुए हैं। चिराग पासवान की हालत ये हो गई है कि अब वो अपने चाचा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। सर, चिराग पासवान सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, तो किस तरह से आप देखिए, चिराग पासवान का राजनीति का डीएनए है तेजस्वी यादव के साथ मिला हुआ। राघोपुर में ये प्रमाणित हो गया। 420 का आरोपी है तेजस्वी यादव, उसके साथ खड़े हैं चिराग पासवान, तो स्वाभाविक है राजनीति के दुल्हा तो आपके वही हैं, तो उनकी तो बारात सजने वाली है। सहवाला का क्या होगा, तो सहवाला चिराग पासवान है, तो एक ही साथ जाएंगे दोनों, और अपने चाचा पर भी सवाल खड़ा कर दिया। ये हालात हो गए चिराग पासवान। माननीय पशुपति पारस जी आपके चाचा हैं, जिनकी भूमिका रही है इस परिवार में, वह भी सात निश्चय के क्रियान्वयन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जयकारा लगाते हुए सात निश्चय में अपनी भूमिका अदा किए हैं, तब उनको भी उनका भी उपाय कर रहे हैं क्या, कुछ कह रहे हैं कि जेल भेजने का काम करेंगे सात निश्चय। कौन दुनिया माई का लाल पैदा लिया जो माननीय नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा देगा, और जिसके साथ डीएनए मिला हुआ है राजनीति का राघोपुर में, जो गलबहिया मिला रहे हैं 420 के आरोपी के साथ, वो जेल जाएगा तो उसी के साथ आप भी खड़े मिलिएगा। तो सुना आपने नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा चिराग पासवान के खिलाफ। साथ ही आपको बता दें, नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि कौन माई का लाल है जो नीतीश कुमार को जेल भेजेगा, जेल जाएंगे तेजस्वी यादव और उनके साथ जाएंगे चिराग पासवान। तो बड़ी बात कह डाली है मंत्री नीरज कुमार ने। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर तेजस्वी और चिराग की क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।